किया। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा ये दुख क्यों, इस तरह से डरती नहीं हो तो लड़ना चाहिए बीवी को। तुमने ये पूरी सोसाइटी जब तुमसे लड़ रही है, तुम उनसे लड़ रही हो, तो मैं भी अगर तुमसे लड़ू तो फिर तो मैं तुम्हारी मुखालिफ साइड से खेल कर, फिर तो मैं तुम्हारे साथी तो नहीं रही। ये खातून मेरी वालदा कलसूम थी और बच्चा में और गजारी का इल्ज़ाम मेरे वालिद सोहिसांगी पर था, जिनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से था। उनका मुकदमा फौजी अदालत में चलाया गया जो कम्युनिस्ट साजिश केस अल मारूफ जान साकी केस के नाम से मशहूर हुआ। कहता हूँ कि वो तो ये सही है कि रियाज सुहेल और उनके जो है ना दूसरे सोहिसांगी के जितने भी बच्चे हैं उनकी ग्रूमिंग जो है उसके अंदर उस कॉमरेड कलसूम का जो है ना बड़ा एक हाल था। सोहेल सामी तो 5-6 साल बेचारे जेल में रहे और इसके अलावा जेल से बाहर भी जो है ना अपने जारे के मुआशी मसाइल में, लेकिन उनके अंदर जो है ना कॉमरेड के रिखाना से मिलते थे तो जाहिर है कि बीवियाँ होती हैं और वो अक्सर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना उनके मसाइल होते हैं और कुछ शिकायतें भी होती हैं, लेकिन कॉमरेड कलसूम की जबान से जो है ना मैंने कभी भी जो ना उसके तौर पर जिस ना बल्कि हमने ये कहा कि नहीं कर सकते ठीक है कोई इस किस्म का सिलसिला जो है ना वो नहीं है। मैंने हमेशा उनको स्ट्रगल करते हुए देखा बचपन से और मुतहरिक देखा हर उस इश्यूज पे, हर उस कोई भी खानदान में कोई ऐसा कोई इशू आ जाता तो मैंने उनको हर किसी के साथ खड़े पाया और वो मैं बचपन से देखती आ रही थी। जब शादी होकर आई तो मुझे समझ नहीं आता था कि एक औरत किस तरह से ये मैनेज करती है, किसी अपने बच्चों को तो पढ़ाओ अपने बच्चों को तो खिलाओ, लेकिन गांव के ढेरों ढेरों बच्चे आए और आप उनको रहने के लिए जगह भी दो, आप उनको पढ़ने के लिए आसाइशें भी दो, उसके साथ उनका खाना पीना रहना सहना वो करना जो है ना वो किसी हर एक की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। वैसे तो मेरी वालदा एक आम सी घरेलू औरत थी, लेकिन शोर की गिरफ्तारी के बाद वो एक सियासत खवातीन हकूक से भी रोशनास हुई, वो अंजुमन तरक्की पसंद खवातीन की भी रुकन रही। और फिर जहाँ हुआ जब हैदराबाद में मुकदमा चला तो हर पेशी पर हम लोग जाते थे सब बच्चे में, उसको लुकआउट नहीं करता था, बल्कि पार्टी ने ही मुझे कहा कि भैया आप इसको देखोगे तो ये सब होता रहा। तो उसने कहा कि तुम्हारे जब गिरफ्तारी हुई तो हमारे मेरे सामने 2-3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि भाई मैं छोटू, जो कि मैंने जब जेल में था मिलने आई थी तो मैंने कहा, मैंने कहा भाई देखो अभी कुछ पता नहीं और मौका भी है और न तुम पर मैार आएगी मुझ पर रिमेरिट कर लो जाओ कुछ पता नहीं। तो उसने कहा कि ये तो बकवास की होगी और इस पर भी मैं बहुत झगड़ा हो सकता है, तो ये एक हो सकता है। दूसरा ये था कि भाई मैं डिप्रेशन में चली जाऊं और हमारे सामने सुखा की मिसाल थी, कमेट जाम की बेगम थी, सुखा दायरे की दोस्त भी थी और दायरे में वो भी कज़न थी, तो मैं इसी तरह डिप्रेशन में चले जाऊँ फिर थोड़ा सा साइड पर हो जाऊँ और फिर सुसाइड कर लूँ। दूसरा ये था कि मैं फाइट बैक करूँ, तो मैंने ये फाइट बैक करने का फैसला किया।